देखिए सगुन मेरा चप्पल पहना दे रही, दौड़ेगा धरो, सकेगी सगुन? नहीं सकेगी बाबू, पैर मेरा खिसकता है बेटा, बताओ अपने से नहीं ना होता है तो, और थोड़ा अंदर डालोगी ना तब होगा। हो गया। नहीं हुआ तुमको कैसे भागे करो ना, जाने का है रास्ता पहाड़ पे, वहाँ पे एकदम ऊपर में। इधर क्या करने लगी, अब चलना नहीं है, शाम हो गया, अब चलना है घर। घूमने के लिए लाते हैं तो क्या से क्या करने लगती है। तो शगुन उसको देखो रोड पे जाएगा अभी तक। अरे भैया कोई भी ऐसा बोल नहीं है जो बच्चा टिका पाए। वो जो क्या है वो कलरफुल है, को दिख रहा है वो पीछे वेलवेट टाइप का। हाँ राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांका भी साथ में, वरदान है, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो हमारी सवारी निकल पड़ी है बाजार की ओर, क्योंकि आज है रविवार और रविवार का ये दूसरा ब्लॉग है। और मेरा बेटा खा लिया नींद का गोली, जैसे कि रास्ते में बैठता गाड़ी में बस इसको आ जाता है नींद, और घर में तो पूरा उछल कूद मचाता है। और मेरा पति तो एकदम हवा में बात करते हुए गाड़ी चला रहा है, शगुन का हेयर बैंड, मेरा बाल, हम लोग सब कोई उड़ रहे हैं। और उड़ते उड़ते हम लोग जा रहे बाजार की तरफ, क्योंकि मुझे लेना है जूती यानी कि सैंडल। मेरा चप्पल टूट गया 2 सालों से, तो मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ और मुंह बना ली हूँ ताकि मेरा पति पूछे कि क्या हुआ है, तो मैं सीधा चप्पल की ओर बताऊँ। हुआ भी ऐसा ही, जैसे मैं मुंह बनाई वो मुझे 2-3 बार बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। तब मैंने बोला मेरे पैर की तरफ देखो, मेरा जूता 2 सालों से पहन रही हूँ, चप्पल टूटा पड़ा है, किसी को दिखता नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। फिर क्या, ये वाला तरकीब काम आ गया, बोला चलो सबसे पहले तुमको जूती दिलाते हैं यानी कि सैंडल, और मैं खुश हो गई। मम्मा का चप्पल लेने, क्योंकि मम्मा का चप्पल टूट गया है। कहाँ से टूटा है वो? पूरा तो टूट गया, देखते ऐसे चप्पल कोई बाहर पहनता है? बताओ मेरा 2 साल से यही चप्पल पहन रहे। जा सैंपल के लिए लेके जा रही है, देखना खराब लाएगा तो अच्छा लाएगी। तो मेरा मंजिल यहीं तक है, दुकान वाले भैया ना हील दिखा रहे हील में, और मैं तो एकदम फ्लैट पहनती हूँ क्योंकि चलने सकती नहीं हूँ, तो सैंडल वैसा बोला। अभी भैया इधर ही आ रहे हैं। ए शगुन इधर लाओ, ये सब हम पहन पाते हैं बताओ? तो लाने का क्या मतलब है, पकड़ो पापा को बोलो कि जैसा मम्मा पहनी है ना सेम टू सेम वैसा ही चाहिए, ये सब नहीं फालतू का ये सब चीज। था जो था वही मिला है, जैसा था वैसा ही वाला है। कलर दूसरा नहीं है भैया, लाइट कलर में पिंक नहीं है, लेके आओ। देखो अंकल दिखा रहे हैं, एक आया है मेरे पैर में बहुत हिसाब से, क्योंकि भगवान हमको इतना स्पेशल बनाया है ना। ए भगवान भगवान, हाँ सही लग रहा, एक ही है दोनों, ये थोड़ा सा ऐसे फूला हुआ पहने तो ठीक ही लगा। जा बेटा रोड में दौड़ जाएगा, जाओ जाओ मेरे पास, नहीं नहीं जाना किसू, ये दौड़ जाएगा रोड पे। देखिए शगुन मेरा चप्पल पहना दे रही, दौड़ेगा? सकेगी शगुन? नहीं सकेगी बाबू, पैर मेरा खिसकता है बेटा, बताओ अपने से नहीं ना होता है तो, और थोड़ा अंदर डालोगी ना तब होगा। हो गया। नहीं हुआ तुमको कैसे भागे करो ना, छोड़ दो हम कर लेंगे, घुसा घुसा पीछे करेगी तो पीछे वाला रबर को पीछे करो तब वो आगे जाएगा। देखो आगे निकल गया, देखती है कितना मुश्किल होता है मेरे पैर में। तो शगुन लगभग देखो मेरा उंगली भी तोड़ देगी। हाँ तो शगुन अच्छे से सेट करो ना, देखो कैसा केकड़ा जैसा कर दी तू। रुको हम करते हैं, तो शगुन फाइनली सक गई, बहुत देर तक पहनाते रही। अरे दोनों का कहाँ ऐसे क्रियाक्रम कहाँ करोगे, कर दो रख लो ना, डाल लो तब पूजा करना बाद में। अकेले अकेले कुल्फी खा रहा है, हमको नहीं खिलाया, बोला कि तुम हमारे लिए जूती खरीदी सैंडल। हाँ और क्या, एक चीज को एक आदमी को कितना कुछ खर्चा कर सकता है, ऐसे महंगाई का बोझ
और शगुन वहाँ खा रही है बच्चों, क्या हुआ देखिए आप, गुपचुप में भी महंगाई आ गई, 10 का 5 मिलता था, भैया 4 ही खिला रहे, और खाएगी खिला दीजिए और 10 का गुपचुप खाती है, ये आइसक्रीम नहीं खाई इसीलिए, बाबू उधर खा रहा है यही चिल्लाता है आइसक्रीम आइसक्रीम। जूता लिए और चेक का और मुड़ा दिए, मतलब संडे हम लोग को हो गया क्या बात का, कहाँ अरे तो हो गया हम लोग का घुमा हुआ, गजब का आदमी हो, खाली है वो, मतलब इतना ताम झाम करके बाहर आने का मतलब यही होता है, नहीं कहाँ घूमते यार, हमको बहुत एकदम बोर लगता है तुमसे, सच्ची बता रहे हैं, कहाँ घूमना है ना हमको, घर नहीं जाना, लो अपना बच्चा लेके जाओ तुम घर में, चलो दिन भर वही घर में पड़े रहते हैं, कहीं आना ना जाना, जा रहे हैं। क्या बोले कहाँ रुकेंगे, कहाँ रुकेंगे, पीपल पेड़ के पास, अब क्या करेंगे पीपल पेड़ पास, हमने रुकना हमको पीपल पेड़ के पास, मम्मा मतलब खाली यही लेने के लिए हम यहाँ आए थे तो ना, और कुछ था नहीं बाहर, आने का क्या मतलब है, इतना सा खाली हमको ना वहाँ से निकले और आइसक्रीम जो खाया बच्चा लोग, खाली रील बनाया दो को बस, देख रहे गाड़ी एकदम मोड़ दिया इधर, बताइए आदमी इतना ही चले के इतना कष्ट करके बाहर आता है, चप्पल बच्चा को तैयार करना, नहाना धोना, बताइए यहाँ पे चाचा लोग बैठते हैं और यहाँ पे बैठाएंगे, बैठाएगा हम उसको ला के, बोल रहा यही पीपल का पेड़ का बात कर रहा है, गजब आदमी है, कहीं लेके जाना चाहिए ऐसा जगह जहाँ पे बच्चा लोग खेले तो थोड़ा अच्छा लगे, सप्ताह भर का मेरे को भी कुछ एक्साइटमेंट रहे, रोज बाहर निकलता है ना तो इसको नहीं समझ में आएगा ना कि जो कमरे में बंद रहता है उसको कैसा लगता है, तो क्या करेंगे यहाँ जाके, जाओ ना तुम डुबकी लगा लो, अभी यहीं पे ले गए रहे पहाड़ के नीचे, यहाँ पे बैठा बोल रील बना लेना, बताइए रील तो हम घर में भी बैठ के बना लेते हैं, वैसे ये वाला लोकेशन बहुत सुंदर है, इधर बहुत अच्छा लगता है देखने में, यहाँ पे चारों तरफ देखिए ये पहाड़ है, अब पहाड़ के ऊपर भी कुछ बना हुआ है, पता नहीं क्या है, ये बोलेगा क्या बना, पानी का टंकी है, यहाँ भी पहले से लोग बैठे हुए हैं, अब हम कहाँ बैठेंगे पता है, आंटी लोग के पास रील बनाएंगे, बताइए आंटी लोग कहाँ सोचेगी, यहाँ पे बैठे हैं, पहले से आंटी लोग बैठी है, हम उस साइड कभी आते थे ना तो उस साइड बैठते थे, तो उधर क्या कि अंकल लोग बैठे तो उधर नहीं बैठेंगे, यहाँ आए हैं ना तो थोड़ा सा खुश इसलिए है ना क्योंकि यहाँ पे ना पीछे फूल है, मैं दिखाती हूँ वो, मैं चोरी करके लेके जाऊँगी क्योंकि मेरे घर में कोई फूल नहीं है, दिखा रहे हैं चप्पल खोलेंगे, खोल लो ठीक है, ये वाला फूल है ना ये पिंक पिंक खिलता है उधर आगे खिला हुआ है थोड़ा थोड़ा, तो इसको हम लेके जाएंगे तो दिखाते हैं आप लोग को, से जाने का है रास्ता पहाड़ पे, वहाँ पे एकदम ऊपर में इधर बहुत सुंदर, इधर से पता नहीं लोग कैसे जाते हैं, क्या यहाँ पे खुला हुआ रहता है, कोई भी जा सकता है क्या, सिर्फ आप रहते हैं क्या आप लोग ऊपर में ही, अच्छा हमको लगा कोई भी जा सकता है, क्या करने लग गया, अब चलना नहीं है, शाम हो गया अब चलना है घर, घूमने के लिए लाते हैं तो क्या से क्या करने लगती है, शगुन उसको देखो रोड पे जाएगा, ये भी बदमाशी करता रहता है हमेशा, इधर रास्ता भी है, इसको बोले तो क्या से क्या करने लगी, तो यहाँ पे आने का एक ही फायदा हुआ कि मुझे वनस्पति मिल रहा है, आ जा जल्दी बैठो, तुमको बाकी जगह से तुमको मम्मा क्या क्या बोला, इधर सब ले जाएगी तेरी मम्मा, मतलब क्या इतना बड़ा चोर नजर आते, फूल था अच्छा लगा, देखिए इधर थोड़ा थोड़ा ना सब सब्जी उब्जी भी लगाया, सब कुछ बहुत अच्छा
अच्छा लगता है इस गली में। और ये हॉस्पिटल है इधर, मतलब ये जस्ट हमारे घुसने के ये सही है। और इधर ये लगा लिया है, ये जब ये बन गया मिक्की माउस। क्या कौन पेड़वा? नहीं तो ये वाला नहीं, ये वाला नहीं है। ये वाला फूल रहा तो हम लेके भी नहीं जाते, क्योंकि ये इतना फैल जाता है ना, उतना तो मेरे घर में स्पेस भी नहीं है। देखिए वही पहाड़ है, वो क्या तो मर गया इधर सड़ेला सा। सब्जी लेने के लिए, सब्जी में है बहुत सारा, यहीं पे आते हैं। बीन्स ले लो। तो शगुन बोली है फूल गोभी, तो फूल गोभी ले रहे जो है महंगा 60 रुपए के जी, आधा किलो। नींबू चाचा, नींबू कैसे दे दे देते हैं वो? दो को नहीं, एक ही को, सूख जाता है ना शगुन, हम लोग खाते नहीं है ना। सत्तू का शरबत पीने का मन कर रहा है, एक दीजिएगा चाचा। हाँ नहीं पीते हैं, बस सत्तू का मन कर रहा है पीने का। देखिए हम लोग आए जग लेने, और किसू रो रहा है बॉल के लिए, ये हमेशा बॉल बॉल करता है, फोड़ भी देता है। स्टडी टेबल है ना, कितने का है ये? 700 दोनों भैया। जंपिंग बॉल नहीं आया अभी तक? जंपिंग अभी नहीं है। अरे भैया कोई भी ऐसा बॉल नहीं है जो बच्चा टिका पाए। वो जो क्या है वो कलरफुल को दिख रहा है, वो पीछे वेलवेट टाइप का। हाँ हाँ? अच्छा मतलब महंगा है क्या? 80 रुपये कैसा है? सभी थोड़ी ना खेल पाएगा, चाहिए चाहिए। अबे साइकिल बोल रहा है तू, पागल हो क्या भैया? कपड़ा का है जो देखने में लग रहा तो नहीं है, छोटा आता है, छोटा साइज का। ये? अभी साइकिल बोल रहा है, घर में जो साइकिल है उसको देखिए आप लोग कबाड़ बना के रखता है, अभी इसको नया साइकिल चाहिए। और ये ओरिजिनल के छोटा साइज में नहीं है? बैठो ना किसू। वो कितने का? क्या चाहिए? वो लोग क्योंकि शगुन का हेयर बैंड लेना है व्हाइट कलर का, पीयूष की टीचर परसों कंप्लेन की थी कि उसका बाल काट दीजिए, क्योंकि सामने आता है ना तो पढ़ने में उसको डिस्टर्ब होता है शायद, तो हेयर बैंड बोले हैं। और मेरा क्रीम जो 2 सप्ताह से ख़त्म हुआ पड़ा है, 4 महीना चलाना पड़ता है क्रीम, 4 महीना, और भी ये भी लगा के भाग जाता है कभी कभी, तो मिलेगा तो ठीक है, मेरा क्रीम भी सब जगह नहीं मिलता है। क्या क्यों रुलाते हो? क्या चाहिए? क्या थी ये क्यों रो रही है? दुकान नहीं लेते हैं। क्या हुआ है? फट गया दूसरा ना दे, फट गया दूसरा ला दो, ला दो दूसरा चेंज करके, पैसा लिया है ना तो दो ना चेंज दूसरा इसमें नहीं है। अरे कितना लिया इसका? 10 रुपये। चुप पहले, चुप रहो चुप रहो, फेंकना नहीं। क्यों रो रही है? भाग गया। क्यों रो रही है? बड़ा गाड़ी दे बोलती है, गाड़ी चाहिए बताओ, ये गाड़ी तो खेलने वाली। सुनो स्कूल में तुम्हारा जो फीस लगता है ना, अब स्कूल मत जाओ, उस पैसे से तुमको गाड़ी वाड़ी सब दिलाएंगे, ठीक है? फेंक दिया, ये भी बॉल फेंक दिया, सबको चाहिए बड़ा। शगुन सारा खिलौना मंगवाती हो और हम खरीद भी लेते, लेकिन तुम रखती नहीं है, तोड़ तो देती हो सब। पढ़ो लिखो, कॉल और टॉल से मत खेला करो, तुम्हारा खेलने का समय नहीं रहा। 300 का गाड़ी खरीदे, खाने के लिए कुछ सामान नहीं रहता है, अभी 300। यहाँ छोटा बच्चा एक बॉल के लिए रोता है, सोचो इतना मुश्किल से 20 रुपए का बॉल खरीदते हैं। सब जानती हो कि क्या सिचुएशन है, फिर भी रोने लगती हो, ये गंदा आदत है, ये सुधार लो तुम। भीख मांगे हम लोग, नहीं रहेगा तो तुमको कहाँ से देंगे, जो रहता है हम तो देते ही है भाई। और जो चट्टी वाला है हेयर बैंड व्हाइट अजर है, सगुन जाना पहले होगा तब बटर। हाँ कपड़ा वाला दे दीजिए व्हाइट कलर का। एक क्रीम लिए हैं और एक पट्टी लिए है इसका हेयर बैंड। आ गए घर, बहुत अंधेरा है, लाइट भी कट गया, इमरजेंसी है। शगुन मेरा वापस से सैंडल खोल रही है, लेकिन हमने हटो ना नंगु पंगु, पैसा हम अपना लेके गए थे।
200, क्योंकि ये बहुत जरूरी था, अगर ये नहीं खरीदते तो हमको अपना पैसा खरीदना पड़ता, तो हम लेके ही गए थे, तो खरीद लिया, तो मेरा 200 बच गया बल्ले बल्ले, तो उसको हम किसी और चीज़ में खर्चा करेंगे। चलिए उतारते हैं झुमका गिरा रे बरेली के बाजार पे। बाय बाय।